हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिवालसर। रिवालसर एक धार्मिक स्थान है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है और आज भी है। रिवालसर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पे है एक गुरुद्वारा, 3 मंदिर और गुरु पद्म संभव द्वारा स्थापित मानी पानी नामक बौद्ध मठ। रिवालसर को महर्षि लोमस की तपोभूमि भी कहा जाता है। रिवालसर में भगवान शंकर, लक्ष्मी नारायण और महर्षि लोमस के 3 प्राचीन मंदिर हैं। तो इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा मेरे कैमरे का सुपर जूम, ड्रोन फुटेज, मार्केट की कुछ झलकियाँ और मंदिरों के दर्शन, और साथ में मैं आपको सुनाऊंगा लोमस ऋषि की कहानी। रिवालसर लेक पर घूमना फिरना तो बहुत हो गया, अब दर्शन कर लेते हैं देवी देवताओं के। चलते हैं मंदिरों में। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने लोमस ऋषि के। हिंदुओं के स्कंद पुराण के हिमवान खंड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में हृदय लेश का वर्णन लोमस ऋषि की तपस्थली के रूप में आता है। हृदय लेश का मतलब है झीलों का राजा, हरित मतलब तालाब, आलय मतलब स्थान, ईश राजा। रिवालसर का प्राचीन नाम हृदय लेश है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोमस हिमालय पर्वत पे तपस्या किया करते थे। इसी दौरान लोमस ऋषि ने ब्रह्मा पर्वत पर चढ़कर एक हृदय मतलब के तालाब देखा, जो कि अत्यंत सुंदर, जिसके चारों ओर वृक्षों की छाया थी और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से सुशोभित था। इस सुंदर तालाब को देखकर लोमस ऋषि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। पर्वतों से घिरे हुए इस स्थान को देखकर लोमस ऋषि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और स्नान करके इसके किनारे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करते करते लोमस ऋषि को नींद आ गई और उन्होंने स्वप्न में भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए एक यति को देखा। यति ने लोमस ऋषि को इस स्थान पर तप करने को कहा। तब लोमस ऋषि ने इस तालाब की पश्चिम दिशा में कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जब 3 माह तक लोमस ऋषि इस स्थान पर तपस्या करते रहे, तब देवराज इंद्र उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर भयभीत हो गए।
देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई उपाय किए, पर वो नाकामयाब रहे। महर्षि लोमस की इस तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती सहित आकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने लोमस ऋषि को मनवांछित फल प्रदान किया, जिससे कि महर्षि लोमस चिरकाल तक जीवित रहने वाले तथा मनोयोग से वायु में भ्रमण करने वाले हैं। कहा जाता है कि लोमस ऋषि आज भी रिवालसर के वायुमंडल में भ्रमण करते हैं। तो ये थी कहानी महर्षि लोमस की। अब चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं अन्य देवी देवताओं के। हिंदू देवी देवताओं के दर्शन के बाद अब हम चले हैं बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव के दर्शन करने बौद्ध धर्म के मानी पानी मठ में।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।